जनपद संभल के बेजोई शहर में दिव्य लोक रिसोर्ट में समाजवादी पार्टी के जनपद पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें दूर दराज से आमंत्रित पदाधिकारियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि सपा कार्यकर्ता आगामी विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को अभी से पूरी तरह कमर कस ले। इस अवसर पर संभल सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, जावेद अली खान, उमेश गुप्ता, अरहम अली खान, रवि दिवाकर, मोनी तारिक, पवन गुप्ता, संजय मदान, चंदोसी नगर अध्यक्ष इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव किशन मुरारी शंखधार ने किया। कार्यक्रम उपरांत भोजन का आयोजन किया गया। आज हमारी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद जनाब जावेद अली खान साहब के द्वारा जो हमने जिले की कमेटी बनाई है अपनी, उसके जो भी मेम्बर थे, हमारे उपाध्यक्ष हों, जिला सचिव हों, कार्यकारिणी के मेम्बर हों, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, सबको यहाँ बुला करके उनका सम्मान करने का काम जनाब जावेद अली खान साहब द्वारा किया गया है। और जो पार्टी की हमारी जो अभी पंचायत चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी के संबंध में हम लोगों ने सब अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों को कहा है, और 2022 का जो चुनाव है हमारा उसकी तैयारी भी में भी हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और आज जावेद भाई ने जो काम किया है उसी का परिचय सम्मेलन था, उसी में हम लोग आए और उसमें ही हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी दिशा निर्देश थे वो दिए, उनको पार्टी को मजबूत करिए और पंचायत चुनाव है, हमें हर हालत में पंचायत चुनाव जीत करके जिला पंचायत का चेयरमैन संभल के अंदर बनाने का काम करना है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमारे ज़िले की सबसे मजबूत पार्टी है और हमारी पार्टी की नई जिला कमेटी, विधानसभा क्षेत्रों की कमेटियां और नगरों की कमेटियां गठित हुई हैं, तो उन सब साथियों को जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली है, आज मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका परिचय कराने के लिए और उन्हें सम्मानित कराने के लिए यहाँ आहूत किया था। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी साथी इस कार्यक्रम में शिरकत की उन्होंने और संकल्प लिया कि 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।